मदन जी कह रहे थे, एक तरफ आज इस मंच के माध्यम से हमने अपना नायक खोया है, हमारे 13 वो सैनिक जो वीर योद्धा जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हमारे उत्तराखंड के हर बच्चे बच्चे से जिनका लगाव रहा है, उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने बहुत सारे सपने सोचे थे, लगातार आगे बढ़ाने का उत्तराखंड को उनका एक विजन था। जनरल बिपिन रावत जी, उनका उधर अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल के लोग महोत्सव मना रहे थे। शर्म आनी चाहिए, आखिर ये इस देश के अंदर रहते हैं? इस देश के अंदर केवल वो शरीर से रहते हैं, उनकी आत्मा कहीं और बसती है, इसलिए वो उनको देश के सलाहकारों से कोई लेना देना नहीं है। देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर लगातार 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है और 60 वर्षों में से भी लगातार 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है और उन्होंने हमेशा, चाहे यहां का जनमानस हो, चाहे यहां की गरीबी हो, चाहे यहां की हमारी सेना हो या हमारे शहीद हो या देश के साथ समझौते करने की बात हो, उन्होंने समझौतों पर समझौते किए हैं। देश की सेनाओं ने जो युद्ध के मैदान में जीते, वो सारे के सारे युद्ध उन्होंने टेबल पर हार कर छोड़ दिए गए। ऐसे लोगों को देश के उन शहीदों से कोई मतलब नहीं हो सकता, उनसे उनकी आत्माएं नहीं जुड़ी हैं, उनसे उनका दर्द नहीं जुड़ा है। अब बताइए, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, एक तरफ जनरल साहब की अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरी तरफ नृत्य हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा टेलीविजन पर, गोवा में चुनाव एक कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है, आखिर शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए फैसला करना है आपको, एक तरफ आप नरेंद्र मोदी जी के रूप में, हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको आज पूरी दुनिया